प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। और एक बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जय मसीह कहते हुए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इस अवसर के लिए और एक बार हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार तेरी संगति में आने के लिए जो सौभाग्य हमें दिया है प्रभु जी, हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु आज भी और एक बार तेरी वचन को मनन करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपने जो अवसर हमें दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये वचन के द्वारा जितने लोग आज प्रभु जी ये संगति में रहेंगे, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार ये वचन की संगति के द्वारा सभी के जीवन में, घर में, परिवार में यीशु नासरी के नाम से पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तूने यसे नबी किताब में हमें वादा किया है, आपकी वचन खाली से नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए आप भेजे हैं स्वामी, वो काम को वो पूरा करेगा। हम प्रभु यही विश्वास के साथ, लालसा के साथ और एक बार हम सब मिलकर प्रभु यीशु के नाम से ये वचन की संगति में इकट्ठे हुए हैं। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, ये वचन के द्वारा सभी के जीवन में अपने पवित्र नाम को महिमा कर। कोई भी ये संगति से काली आतों से ना जाए स्वामी, वचन के द्वारा सभी जीवन में काम कीजिए, भरपूरी आशीष दीजिए। आज जो प्रार्थना और निवेदन के साथ ये संगति में इकट्ठे हुए स्वामी, किसी का निवेदन अधूरा नहीं हो नहीं पाए, किसी की आशा निराशा नहीं हो नहीं पाए। हर एक दुख को सुखों में बदलने वाला, बुराई को भलाई में बदलने वाला, हर एक बेचैनी को शांति में बदलने वाला प्रभु जी, आप हर घर में अपनी भलाई कीजिए स्वामी, अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। शुरू से अंत तक आप अगुवाई कीजिए। इस वचन के विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करने वाली हर एक दुष्टता की क्रिया को, दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की योजना को मतिया टरा टरा के अनुसार हम श्राप देते हुए उन सभी क्रिया को जड़ से मिटाते हैं यीशु के नाम से। अनुग्रह कर, आशीष कीजिए, पवित्र नाम को महिमा कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की कार्यक्रम में आपको हम स्वागत करते हैं। प्रियो, लगातार हम परमेश्वर की वचन को मनन करते हुए बढ़ने के लिए परमेश्वर इस वीडियो को दिया, हम हृदय से धन्यवाद देते। वीडियो के द्वारा जितने लोग परमेश्वर की वचन की संगति में लगातार बढ़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत आशीष दे। पिछले दो भाग, मतलब ये 2022 में हम लोग भाग एक और दो, प्रभु ने आश्चर्य काम किया। ये 2022 के लिए जो परमेश्वर आशीष का वचन हमें दिया है, हम दो भाग लगातार अध्ययन करते हुए आगे बढ़े हैं। आज भी ये संगति में आज का विषय विश्वास की अंगीकार। ये विश्वास की अंगीकार की आधारित हम आज के वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रियो, प्रभु जो आश्चर्य काम मेरे लिए किया है, करके रखा है, समय समय पर हम परमेश्वर की उन चमत्कार को मरकुस 16 का 20 के अनुसार हम पाते हुए आगे बढ़ने के लिए पिछले भाग दो में हमने सीखा विश्वास और अंगीकार बहुत मुख्य है। भाग दो में किस प्रकार, किस तरीके का विश्वास हम वचन में रखना है और उसको किस प्रकार अंगीकार करके अपनाना है,
हरेक बातों को बागदों से हमने देखा है। हाँ प्रिय, आज जी हम लोग विश्वास की अंगीकार, ये सत्यता, ये साल में परमेश्वर की कामों को, आश्चर्य कार्य को हर परिस्थिति में हम देखने के लिए जो विषय की जरूरत है, हम वही विषय पर आज हम फिर एक बार अध्ययन करने के लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता किया है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आने वाला हरेक कठिनाई वक्त को, संकट को, हर बुरी परिस्थिति को आप पार करके उस पर जय पाकर प्रभु के साथ जीने में, प्रभु की भरपूरी आशीष की गवाही बनने में, प्रभु की आगमन कभी भी हो उस आगमन में जाने में पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे। हाँ प्रिय, यही विश्वास के साथ हम आज की वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। आइएगा हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। फिलिपियों की किताब दूसरी अध्याय 10, 11, 12 को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब दूसरी अध्याय 10वां, 11वां, 12वां वचन को हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है आप ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनिए। आइए हम पढ़ेंगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, और पृथ्वी के नीचे है, जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकर और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेंगे। यीशु पर विश्वास करते हुए, यीशु पर विश्वास करते हुए घुटने में आकर जो जिसकी जीभ अंगीकार करेगी, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु की वचन सत्य है। इसलिए मेरे प्रियो जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा प्रभु जैसे जैसे सिखाया आपने आज्ञा मानते हुए आए हैं, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उधार का कार्य पूरा करते रहो, अपने अपने उधार का कार्य को पूरा करते रहो। प्रभु जो योजना आपके जीवन में रखा है, ये साल में वचन दिया है हम वक्त वक्त पर तेरे साथ आश्चर्य काम करेंगे, किया हुआ है उसको हम पाते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु का अगुवा अपना चर्च को लिख रहे हैं, सुनो हम निकट में रहने के समय प्रभु का भक्ति में भय में बढ़ने की बात नहीं, जब हम दूर में भी रहेंगे उतना ही प्रभु की भय में भक्ति में ध्यान रखना आपका उद्धार का काम पूरी होने के लिए। आपके जीवन में जो वचन की योजना प्रभु रखा है काम करने के लिए, भलाई करने के लिए, आपका जीवन को प्रभु में तैयार करने के लिए, एक दिन स्वर्ग लेकर जाने के लिए, जितनी सारी योजना अभी से लेकर अंत तक प्रभु रखा है उस योजना को पूरा करने के लिए ख्याल रखो, ध्यान रखो, चौकस रहो, उसको पूरा होना दो, उसको रोकना ना दो। लेकिन ये काम कैसे होगी, जिसका घुटना प्रार्थना में प्रभु के संगति में, जिसका घुटना में होकर प्रभु पर विश्वास करके जिसका जीव अंगीकार करेगा वो प्रभु की महिमा को देखेगा। हाँ प्रियो, हम पिछले भाग में भी ये वचन को जोर दिए थे समझने के लिए, और एक बार यहां भी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ताकि ये वचन को आप आराम से समझ सकते हैं। रोमियो 10:8-10 को हम पढ़ेंगे। रोमियो 10:8-10 ये वचन को समझने के लिए भाग दो में जो वचन हमने पढ़ा है उसको दोबारा हम पढ़ेंगे। परंतु वह क्या कहती है, परमेश्वर का वचन जो बाइबल मेरे पास है वो क्या कहती है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, तेरे मुंह में प्रभु रखा है, तेरे मन में रखा है, ये वही विश्वास का वचन है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार
जो हम प्रचार कर, हम जो प्रचार कर रहे हैं, ये वचन का नाम है विश्वास का वचन है। हम प्रचार करने के समय ये वचन आपके पास पहुंच रही है, आपके हृदय में पहुंच रही है, आपके मुंह में परमेश्वर रख रहे हैं। आगे पढ़िएगा, कि यदि तू अपने मुंह से, यदि आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अंगीकार करे। फिलिपियों के किताब में यीशु को ही, मेरा यीशु यही सच्चा करके, ये सत्य परमेश्वर पर विश्वास करके, जिसका घुटना टेकेगा, जो अंगीकार करेंगे, यहां भी वही यीशु ही प्रभु करके मेरे लिए जगत में आया करके, मेरे लिए अपना जीवन को क्रूस पर दिया करके, मेरे लिए तीसरा दिन जी उठा करके, मुझे लेकर जाने के लिए मेरा प्रभु आने वाला है। ये विश्वास जो व्यक्ति करते हैं, आगे पढ़िएगा, और अपने मन से विश्वास करें कि, विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार, निश्चय प्रभु जो योजना आपके जीवन में करने के लिए किया है, वो निश्चय पूरी होगी। आगे, क्योंकि धर्मिकता के लिए, धर्मिकता के लिए मन से विश्वास की जाती है, और उधार के लिए, मेरे साथ प्रभु का काम होने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र, क्योंकि बाइबल पवित्र शास्त्र में क्या कहता है, यही कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई मेरा यीशु पर विश्वास करेगा, वो लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हाँ प्रिय, यीशु पर विश्वास करते हुए, यीशु के नाम से जो अंगीकार करेगा, उसी के जीवन में परमेश्वर का काम होगा। हाँ प्रिय, आज भी विश्वास की अंगीकार, विश्वास और अंगीकार एक साथ मेरे जीवन में होने के लिए, रोमियों को पढ़ रहे थे, हृदय में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करने का समय, निश्चय प्रभु जो काम मेरे जीवन में करने का रखा है वो पूरी होगी, किसी ताकत उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए आज और एक बार विश्वास की अंगीकार, इस विश्वास की अंगीकार के बारे में बाइबल क्या हमें सिखाती, और थोड़ा ज्ञान आपको हम परमेश्वर की वचन से लेकर आए हैं, ताकि इस अंतिम वक्त में, इस खत्म स्थिति में जीने वाला परिस्थिति में, धीरे धीरे पूरे जगत में परमेश्वर की आगमन का इशारा, मत्ती 24 में प्रभु ने कहा, अंतिम समय में कई एक इशारा प्रभु दिया, उसमें दो बात जबरदस्त चल रही है, उसमें एक मरी वायरस, एक पीछे एक वायरस, एक एक वायरस, तीसरा लॉकडाउन में देश जा रही है। हाँ प्रिय, वायरस, मत्ती 24वां अध्याय में यीशु ने कहा इस अंतिम समय का चिन्ह है वायरस के साथ। और एक बात को भी परमेश्वर इशारा दिया, हकाल, बूमडोल। प्रियो, हकाल जगत को धीरे धीरे कब्जा करते हुए आ रहा है, कब्जा करते हुए आ रहा है। सबसे हमारा निकट रहने वाला पड़ोस देश जो श्रीलंका है, समुद्र की इलाका में रहने वाला, एकदम नजर से देख सकते हैं, 45 मिनट एक घंटे की दूरी में पड़ोस देश जो श्रीलंका, आज का स्थिति हकाल के कारण डूबने पर है। परमेश्वर का वचन का इशारा कि हम केवल अपने निकट में रहने वाला पड़ोस देश की उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन पहले से दुनिया में यह खबर पहुंच गया, हकाल कहीं से आरंभ हो गया है। कहीं लोग मिट्टी को केवल खाने लगे हैं, कहीं पर कीड़ा को खाने लगे हैं, क्योंकि वहां पर कोई भोजन की बातें नहीं है। प्रियो, इस अंतिम समय में धीरे धीरे प्रभु का आगमन के लिए जब दुनिया तैयार हो रही है, धीरे धीरे जवाब देने का वक्त में, धीरे धीरे हकाल बढ़ने का वक्त में, मरी बढ़ने के वक्त में, दुनिया धीरे धीरे प्रभु की आगमन के लिए अंतिम कदम में जाने का वक्त में, भजन संहिता 91 में प्रभु ने कहा, दाहिने तरफ घटना को देखेंगे, बाईं तरफ घटना को देखेंगे, लेकिन तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। इस हकाल के बीच में, इस मरी के बीच में प्रभु अपने लोगों को
किस तरह संभाल सकते हैं। कई एक घटना को भाग एक में भी बताए थे, आश्चर्य का आश्चर्य काम के द्वारा इस अंतिम वक्त में अपने लोगों को प्रभु संभालने के लिए जा रहे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं। दुनिया अस्थिरता में चला गया, कोई भी स्थिर नहीं है प्रभु बात को बताकर करने के लिए। दुनिया अस्थिरता की ओर बढ़ रही है, कोई भी बात आज का दिन में स्थिर नहीं है, कल क्या होगा कोई नहीं जानते हैं। इस अस्थिरता का वक्त में प्रभु के पास एक ही रास्ता है अपने लोगों को संभालते हुए अगुवाई करने के लिए, आश्चर्य का। प्रभु आश्चर्य ढंग से मुझे अगुवाई करना है, अगर प्रभु आश्चर्य ढंग से मेरा जीवन को मेरा घर को चलाना है, विश्वास की अंगीकार बहुत मुख्य है। इसलिए आज कुछ बातों को हम बाइबल से देखने जा रहे हैं, कुछ और वचनों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ताकि मेरा जीवन प्रभु के साथ दृढ़ होने के लिए, प्रभु मेरे जीवन में जगह पाकर जो करना चाहता है, मेरे आवश्यकता में जो करना चाहता है, मेरे संकट में प्रभु जो करना चाहता है, मेरे जोखिम में प्रभु जो करना चाहता है, जहां जहां मेरी मदद की जरूरत है, वहां प्रभु जो मुझे करने के लिए जगह जो है, ये विश्वास की अंगीकार की वचन के द्वारा ही संभव ना है। इसलिए आज हम ये सत्यता को पढ़ने जा रहे हैं, जहां कहीं भी क्यों ना हो, ध्यान से ख्याल से इस वचन को पढ़िए, लिखिए, अध्ययन कीजिए, इसके द्वारा आशीष पाइए, अपने पूरे घर को बचाइए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आइएगा एक घटना की ओर हम बढ़ने के लिए जा रहे हैं, मरकुस सुसमाचार 9वां अध्याय में एक गार्जियन प्रभु के पास आकर अपने बेटे के लिए बात कर रहे, प्रभु से क्या बातचीत कर रहे हैं पढ़िएगा। वहां पर 9:17 से लेकर यह घटना जो है वहां पर लिखा है, 29 तक वो वचन लिखा, लेकिन हम केवल मूल वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 17 से 29 तक आप घर में आराम से पढ़िएगा, लेकिन हम केवल मूल वचन को पढ़ने जा रहे हैं, 20 से पढ़िएगा। तब वे उसे उसके पास ले आए, यीशु के पास उस बेटे को लड़के को लेकर आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा। हाँ, जब यीशु को वो अशुद्ध आत्मा ने देखा, वो दुष्ट आत्मा ने देखा, तुरंत उस बच्चे को परेशान करने लगा। हाँ, और वह भूमि पर गिरा, भूमि पर गिर के और मुंह से फेन बहते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, यीशु ने अभी ये बेटे की बच्चे की स्थिति को देखकर उनके पिता से यीशु ने पूछा, इसकी यह दशा कब से है, ये परिस्थिति इस जीवन में कब से है। उसने कहा, पिता ने अपने बेटे के बारे में कहा, बचपन से मेरा बच्चे इसी तरह तंग हो रहे, इसी तरह पीड़ा में जी रहे हैं। पढ़िएगा आगे, उसने इसे नष्ट करने के लिए, ये शैतान मेरे बेटे को नष्ट करने के लिए, कभी आग में और कभी पानी में गिरा, कभी पानी में गिराते थे, परंतु यदि तू कुछ कर सके, यदि आप कुछ करके हमारा घर को बचा सकते तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार, हम पर तरस खाकर हमें मदद कीजिए स्वामी। यीशु ने इस व्यक्ति से कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है, क्या बात है, आप पहुंचे हैं परमेश्वर प्रभु के पास, सारे सृष्टि का मालिक, जो इस जगत का सृजनहार है, उस कर्ता के पास आप पहुंचे हैं, आप क्या पूछते हैं, ये संभव है कि नहीं। विश्वास करने वाले के लिए, जो प्रभु के पास आता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा के कहा, बालक का पिता ने तुरंत यीशु के सामने गिड़गिड़ा कर बस मूल भाषा में लिखा है, आंसू के साथ कहा है, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरी अविश्वास दूर होने के लिए मदद कीजिए। तब आगे आप वचन पढ़ने के समय में यीशु वहां पर काम किया,
वो शैतान उस बच्चे के अंदर से चला गया। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, मेरी अविश्वास दूर होने के लिए मदद कीजिए। मेरी विश्वास की प्रार्थना, मेरी विश्वास की अंगीकार मेरे घर को, मेरे बच्चे को बचा सके। लेकर आए बेटा को, लेकिन उनकी विनती को थोड़ा सा मैं इशारा देने के लिए चाहते हैं। इनका प्रार्थना के शब्द को 22 को जरा सा पढ़िएगा वहां। उसने इसे नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिरा, कभी पानी में गिराता था। परंतु यदि तू कुछ कर सके, यदि आप कुछ कर सकते तो हम पर तरस आ, हम पर। देखिए, लाए बेटा को, बेटा को शैतान बचपन से तंग करके रखा है। उसको खत्म करने के लिए कभी आग में गिराकर, पानी में गिराकर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये प्रभु से प्रार्थना निवेदन रखने के समय बेटा को ठीक कीजिए नहीं कहा, हम पर, हमारे घर पर, हमारे कुटुंब पर, हम सभी पर ऐसा काम कीजिए ताकि हम नाश होने से बच जाएं। अगला वचन में लिखा, यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आंसू के साथ उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, मेरी अविश्वास दूर होने पाए। मेरी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होने पाए। यीशु ने काम किया, उस बेटे ने बच गया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। लिखा है 29वां वचन में इस प्रकार की शैतान प्रार्थना से, मूल भाषा में लिखा है प्रार्थना से उपवास बिना, उपवास की प्रार्थना के बिना नहीं निकलती है। प्रियो, आज ऐसे कठिन समस्या भी क्यों ना हो, प्रभु ने इस घटने के द्वारा विश्वास की अंगीकार को सिखाते हुए साथ साथ ये कहा, उपवास की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना में जो विश्वास की अंगीकार करते हैं वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मुझे विजय की ओर ले चलने में, मेरा जीवन को बचाने में, मेरा घर को बचाने में, मेरा पूरी कुटुंब को बचाने में परमेश्वर का काम करने में प्रभु की जगह मिलती है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। विश्वास की अंगीकार, प्रभु को जगह मिलता है मेरे जीवन में भलाई करने के लिए, मेरे घर में भलाई करने के लिए, मेरे पूरे कुटुंब में भलाई करने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम प्रियो, बाइबल में हम कई एक वचन को साबूत के लिए पढ़ने जा रहे हैं। विश्वास के साथ अंगीकार करके परमेश्वर के लोग कैसे प्रभु में अपनी जीवन को बचाए हैं, अपने घर को बचाए हैं, प्रभु के आश्चर्य काम को देखे हैं, प्रभु के साथ कैसे सफलता और विजयता के साथ इस जीवन को बिताए हैं, एक दिन प्रभु के पास कैसे पहुंचे हैं। पवित्र लोगों की जीवन से हम परमेश्वर की वचन को सीखने जा रहे हैं। हम इब्रानी किताब पर खोल देंगे एक बात, ये विश्वास की अंगीकार की बातों को पूरी इब्रानी किताब जबरदस्त हमें सिखाती है। कई एक वचन को आज हम इब्रानी किताब से पढ़कर हम सीखने के लिए जा रहे, ताकि इस नियम के अनुसार परमेश्वर की जितनी सारी आशीष है उनमें से एक भी मेरे जीवन में दूर नहीं होने पाए, किसी आशीषों से हम अलग नहीं होने पाए। हर परिस्थिति में, हर मुसीबतों में हम परमेश्वर के चमत्कार को देखते हुए भरपूरी जीवन प्रभु की गवाही बनकर प्रभु की पवित्र नाम को महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाने के लिए इन वचन आप सभी को मदद करेगा। आइए यही विश्वास के साथ हम परमेश्वर की और कुछ वचन को इब्रानी किताब से अध्ययन करने जा रहे। इब्रानी किताब को खोल दीजिएगा, 3 अध्याय पहला वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 3:1 पढ़िएगा। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, इसलिए ये पवित्र भाइयों जो प्रार्थना की संगति में सच्चाई से प्रभु में बढ़ने वाले प्रभु के लोग, प्रभु का वचन बताते हैं। इस वचन को दोबारा शुरू से पढ़ रहे, परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार विश्वास के साथ बुला रहे हैं। शुरू से पढ़िएगा।
इसीलिए हे पवित्र भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों बहनों, प्रभु के लोगों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागीदार हो। ये संगति में जो सत्यता परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं, ये विश्वास की अंगीकार की हर एक कदम, क्यों आप परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट की भागीदारी है। आगे पढ़िएगा, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिस यीशु के नाम पर हम अंगीकार करते हैं विश्वास करते हुए, ध्यान करो, उसको ध्यान करो, मेरा यीशु को ध्यान करो, वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। मेरा यीशु पर ध्यान रखो, मेरा यीशु पर ध्यान रखो, जिस स्वर्गीय भागीदारी होने के लिए प्रभु ने बुलाया, मुझे अंगीकार करके ये जीवन को पक्की करना है। हम लगातार इस सत्यता को यही किताब से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आगे 11वां अध्याय में 1, 2, 3 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी में इब्रानी में 11 का 1, 2, 3 लिखने वाले आराम से लिखते जाइएगा। लगातार ये किताब आगे पीछे ये सत्यता को अपने मंडली को सिखाती है। पवित्र आत्मा अपने झुंड को सिखाते हैं। ये वचन साफ तरीके से, जिसको परमेश्वर स्वर्ग की भागीदारी होने के लिए बुलाया, उन्हीं के साथ ये सत्यता को प्रभु दे रहे। जिस यीशु पर विश्वास करके अंगीकार करते हैं, उनको ध्यान से देखो। पढ़िएगा आगे, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। देखिए, अब ये प्रभु की सत्यता हमको सिखाती है। ये विश्वास का परिभाषा क्या है, विश्वास का मतलब क्या है, जो विश्वास करके हम प्रभु की बातों को अंगीकार करके मरकुस 16:20 के अनुसार जो चमत्कार देखना है। विश्वास की परिभाषा शुरू से पढ़िएगा, विश्वास का मतलब क्या है। अब विश्वास आशा की हुई, आशा के निमित्त, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा। अनदेखी, हम देखे नहीं, हम देखे नहीं, पर इस वचन यीशु पर विश्वास करके बोलते हैं, ये मेरे साथ पूरी होगी। अंधी की अनुकूल स्थिति भी नहीं। हम पिछले बार भी बोल रहे थे, वो विधवा स्त्री मरने के लिए जा रही थी, लेकिन प्रभु का आश्चर्य कम किया विश्वास के द्वारा, विश्वास किया अंधे की, जिस बात को हम सोच भी नहीं सकते हैं, देखे नहीं है, प्रभु करेगा करके विश्वास की अंगीकार देने के समय प्रभु का काम वहां होती है। उसी को बोलते हैं विश्वास की अंगीकार और आश्चर्य काम। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। विश्वास वो है, अंधे की वस्तुओं को हम अंगीकार करते हैं प्रभु के नाम पर विश्वास करके, प्रभु मेरे जीवन में करेंगे। लगातार पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के विषय में, इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसके पहले जितने भक्त लोग प्रभु के पास गए हैं, प्रभु में जी रहे थे, ये विश्वास की क्षेत्र पर, अंगीकार की क्षेत्र पर अच्छे गवाही पाकर वो अपना जीवन को प्रभु में जय पाए हैं। आगे पढ़िएगा, विश्वास ही से, अभी प्रभु अपने आप को उदाहरण में दे रहे। विश्वास के बारे में प्रभु सिखाया, प्रभु अपने मंडली को, अपने चर्च को, अपने बेटा बेटी कहलाने वाला अपने झुंड को प्रभु कहे, आपके पहले जितने पवित्र लोग मेरे साथ जीवन बिताए, आज प्रभु के पास है, यही विश्वास की अंगीकार की पटियल में गवाही का जगह पाकर, जय पाकर आज प्रभु के साथ है। यहां पवित्र लोगों की गवाही देकर, हमसे पहले प्रभु का मंडली, प्रभु के लोगों की गवाही को प्रभु देकर, अभी अपने उदाहरण को हमें प्रभु दे रहे। प्रभु कहता है, अपना उदाहरण प्रभु क्या दे रहे हैं, वचन 3 को शुरू से पढ़िए,
विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर जो जगत को, इस पूरी दुनिया को, इस सारी सृष्टि को जो आप देख रहे, प्रभु अपना उदाहरण अपने लोगों को देख रहे, दे रहे, बेटा हम जो भी इस जगत में सृजे हैं ना, आप जो भी देख रहे हैं ना, ये हमने विश्वास करके वचन को अंगीकार प्रयोग किया तब ये सब बनी है। आगे उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। हाँ, तीन में है, 11:3 को हम पढ़ रहे हैं ध्यान से। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, जो कुछ आपको देखने में आता है, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ प्रियो, प्रभु विश्वास के द्वारा अपने वचन के द्वारा बनाया है ये पूरी दुनिया। जैसा देख रहा ऐसी नहीं आया, ऐसे उसको नहीं बनाया गया। जो बातें आज आपको देखने में आता है, प्रभु ने विश्वास करके अपनी वचन के द्वारा बनाया है। आज भी आपकी विश्वास की अंगीकार के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, आज जैसा पूरा दुनिया को सृजा है, आपके जीवन में परमेश्वर अपने भले कामों को सृजने के लिए, आशीषों को सृजने के लिए, आप जो चाहते हैं उन लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त करने के लिए, आश्चर्य काम के द्वारा प्रभु आज आपके जीवन में काम करने के लिए चाहता है। प्रभु अपने बारे में पहले कहा, अब परमेश्वर फिर कहता है, क्या कहता है? इब्रानी 10:23 आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आशा की अंगीकार माने विश्वास की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। प्रभु काम पूरे जगत में किया विश्वास की अंगीकार के द्वारा, वचन के द्वारा बनाया। आज मेरे साथ वही नियम से काम करने के लिए प्रभु आया है, इसलिए ये वचन बतलाती है आपकी आशा मतलब विश्वास की अंगीकार में दृढ़ता में रहो। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा है, जिसने वादा किया, भजन संहिता 98:1 प्रभु ने आश्चर्य का मेरे लिए किए हैं, उन वाचा को प्रतिज्ञा की है, जो वादा प्रभु ने हमसे किया है वह सच्चा है पूरा करने। लेकिन नियम ये है, तुम्हारी आशा को, तुम्हारी विश्वास को प्रभु में दृढ़ रखो, क्योंकि जो वादा आपको ये साल में दिया, भजन संहिता 98:1 में आश्चर्य काम किए हैं, वो आपके साथ करेगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो पूरी करेगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जितने लोग इस संगति को इस वक्त सुन रहे हैं प्रियो, आज ही आपका विश्वास प्रभु में दृढ़ हो जाए, हृदय में इस प्रभु की सत्य वचन प्रभु यीशु पर विश्वास दृढ़ हो जाए। दृढ़ता के साथ कोई अविश्वास बिना आपका मुंह यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करे, जो पहला वचन फिलिपियों 2:10 हम पढ़ रहे थे, आप उस वचन के अनुसार सच्चा हो जाए, क्योंकि यहां लिखा है हम दृढ़ हो जाए आशा में मतलब प्रभु की विश्वास की अंगीकार में दृढ़ हो जाए, क्योंकि वो सच्चा है, जो वादा किया उसको पूरा करेगा। इसलिए इतनी सारी वचन आपके पास आ रही है, किसी परिस्थिति में, किसी वातावरण में कहीं अविश्वास आकर आपकी जिंदगी की सारा आशीषों को, प्रभु की कामों को नष्ट नहीं करने पाए। हां प्रिय, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हम लगातार प्रभु अगला कदम में अब हमको विश्वास की अंगीकार में दृढ़ होने के लिए सिखाने वाला परमेश्वर, क्योंकि 4 में इब्रानी 4:14-16 पढ़िएगा। इब्रानी 4:14-16 इसीलिए जब हमारे ऐसा बड़ा महायाजक, इसलिए विश्वास का अंगीकार करके
किया हुआ वादा को सच्चाई से पूरा करने वाला यीशु जब मेरे साथ है, मेरे हृदय में है, मेरे घर में है, मेरे कुटुंब में है, आगे पढ़िएगा, जो स्वर्ग से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, अपने विश्वास की अंगीकार को मेरा यीशु के सामने दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारे ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। निर्बलता में दुखी होने के लिए वो प्रभु नहीं है, ये संगति नहीं है, ये विश्वास की अंगीकार का वचन नहीं है। पढ़िएगा आगे, वरन वो सब बातों में हमारे समान, सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जाएंगे, हियोपन के चले हिम्मत के साथ जाएंगे, हम पर मेरा प्रभु की दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी मेरी आवश्यकता का समय में सहायता करे, मेरे संकट में मदद करने के लिए, मेरी परीक्षा की घड़ी में मदद करने के लिए, मेरे दुर्बल के समय में, कमजोर के समय में, नाकाम के समय में मदद करने के लिए मेरा यीशु है करके वचन 15 में पढ़ रहे, क्योंकि हमारे समान वो भी दुख उठाकर परीक्षाओं में से निर्बल रास्ते से पार करके कलवारी क्रूस पर हम सभी के लिए अपना जीवन को कुर्बानी दिया। आज मेरी कमजोर के नाकाम के समय में चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी परीक्षा की घड़ी में चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी दुखों में चिंता करने की जरूरत नहीं, हिम्मत के साथ विश्वास की अंगीकार के साथ मेरा यीशु की शरण में जाएंगे जहां से मुझे अनुग्रह मिलती है, ये अनुग्रह मेरी आवश्यकता का समय में प्रभु मेरे लिए काम करे। हम पिछले वक्त में भी ये वचन को दिए, दूसरा कुरिन्थियों 9:8, ये अनुग्रह क्या है, आवश्यकता के पहले मेरे लिए परमेश्वर इंतजाम को मजबूत कर दे, जो काम मुझे करना है, जो आवश्यकता मुझे, उसके पहले ही वो बात मेरे पास रहे, ताकि भजन संहिता 23:1 के अनुसार हम अंगीकार करें, प्रभु मेरा चरवाहा है, मेरे जीवन में कोई गड्ढी नहीं है, यह अनुग्रह मेरी आवश्यकता का समय में जहां परमेश्वर की सहायता की जरूरत है वो समय में मुझे पूरी तौर से सही वक्त पर चमत्कार के द्वारा भलाई करने के लिए, आश्चर्य काम के द्वारा भलाई करने के लिए वो प्रभु को मौका देंगे। जैसे वो लड़के का पिता ने कहा, हम पर तरस खाइए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए ताकि हमारा घर बच जाए, वैसे हमारा संकट के समय में, दुर्बल के समय में, दुखित समय में, परीक्षा का घड़ी में, जहां आवश्यकता है मेरा प्रभु की चमत्कार को पाने के लिए, हमारा अंगीकार को दृढ़ता, वही वचन 14 में, अपने अंगीकार को दृढ़ता करते हुए प्रभु के पास आओ। प्रियो, आज आप परमेश्वर से अपने लिए प्रार्थना करते हैं, 2022 में आरंभ से लेकर परमेश्वर लगातार जो वचन लेकर आपके पास आ रहे हैं, क्या आप हृदय से विश्वास करके मुंह में ये विश्वास की वचन को अंगीकार कर रहे हैं? जैसा फिलिपियंस 2:10-11-12 में प्रभु हमें सिखा रहे, जैसा रोमियो 10:8-9-10 के द्वारा प्रभु हमें सिखा रहे, जैसे मरकुस 16:20 के द्वारा प्रभु के लोग यीशु का दल अपने महिमा का आश्चर्य काम किया देखा है, क्या हम इस विश्वास की अंगीकार के लिए सच्चे दिल से मेरा प्रभु को जगह दिए? प्रियो, इन सत्यता के अनुसार आप जगह देंगे, जैसे उस घर को शैतान कोशिश किया आग में गिराकर, पानी में गिराकर सत्यनाश करके मिटाने के लिए, लेकिन उनकी विश्वास की अंगीकार उस घर को बचा लिया,
आज कोई भी संकट की ना हो, कोई भी मुसीबत की ना हो, कोई भी नाकाम या खत्म की परिस्थिति की ना हो, आप उसको पार करके जय का जीवन भरपूरी के साथ गवाही बनकर जीने के लिए ये सत्यता को परमेश्वर आज आपके पास ले आ रहे हैं। हम प्रियो, इतना ही नहीं, यहां पर परमेश्वर चेतावनी दिया, हर बात में एक चेतावनी चाहिए, क्योंकि जैसा एक घर में चाकू है, सब्जी को तरीके से काटना, फल को तरीके से काटना, लेकिन बच्चों के हाथों से, बच्चों से उन चाकू को सुरक्षित रखना चौकस, चाकू को ढंग से, ध्यान से, ख्याल से नहीं इस्तेमाल करेंगे अपने हाथ को काट देगा, अपने को घायल कर देगा। चेतावनी, चौकस हमेशा जरूरत है। परमेश्वर भी जब कभी अपनी सत्यता को सिखाते हैं, वह हम पर चौकसी वाली बातों को भी हमें देते हैं। हाँ प्रियो, हम चौकसी वाली बात, परमेश्वर यह सत्यता को सिखाने के समय यहां चौकसी की बात क्या है, वही हम कुछ बातों को देकर उन क्षेत्र में अगर चौकसी से रहेंगे, मेरा जीवन को कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकता है। जिस मकसद से यह वचन आज आपके पास आ रही है, प्रभु अपने काम को आपके साथ पूरी करेगा, प्रभु की महिमा को आप देखेंगे, आप देखना है, यही परमेश्वर की आशा है। इसी विश्वास के साथ ये सत्य वचन आपके पास आ रही है। आइए उन चौकस की वचन को देखेंगे। इब्रानी 3:12-13-14 को हम लगातार पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानी 3:12-13-14 को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो। देखिए, प्रभु का वचन इसी के साथ बता रही है, मेरे लोग इस क्षेत्र में चौकस रहना, कौन बातों में चौकस रहना, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो। हाँ, बुरा और अविश्वास का हृदय ना हो। जो सत्यता आप सीख रहे हैं, उसको इन सत्यता के द्वारा आने वाला प्रभु की आशीष के कामों को, प्रभु को रोकने का कुछ बातें है, तो वो ये है अविश्वास। अविश्वास जिसके हृदय में आती है, उस हृदय को बुराई से भर देता, उन बुरे हृदय को, अविश्वास की हृदय को। आगे पढ़िएगा, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जीवित परमेश्वर से दूर कर देगा अविश्वास का बुरे हृदय, बुरे मन, आपको जीवित परमेश्वर से दूर कर देगा, इन सत्यता से दूर कर देगा, इन आशीषों से दूर कर देगा, इन प्रभु के जीवन से, स्वर्गीय जीवन से दूर कर देगा। आगे पढ़िएगा, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो, एक दूसरे को इन सत्यता से समझाइए, समझाते रहिए। क्या समझाएं? ये दुष्ट अविश्वास का हृदय ना होने पाए, जो हमको जीवित परमेश्वर से दूर कर देता है। आगे पढ़िएगा, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप की छल में आकर कठोर हो जाए, पाप की जाल में फंसकर हृदय को कठोर करे, ताकि प्रभु पर विश्वास ना करे, विश्वास की अंगीकार से दूर कर दे। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, क्योंकि हम मसीह की भागीदारी है, एक दिन जो मसीह ने मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं, हम स्वर्गीय देश की भागीदारी है, इसको प्रभु के लोग भूलना नहीं है। पढ़िएगा आगे, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जिस सत्यता प्रभु आपको दिए, इस विश्वास की सत्यता पर, भरोसे पर, अंत तक यदि हम प्रभु में धीरज के साथ बने रहेंगे, स्थिरता में, दृढ़ता में रहेंगे, जैसा कहा जाता है, जैसा वचन हमें कहता है, सिखाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, मन को कठोर मत कीजिए। प्रभु जो वचन आज देखकर आगे अगुवाई करने के लिए, उन अविश्वास को जगह मत देना,
उन मन की कठोर करने वाली आत्मा को जगह नहीं देना। पहला दिन से जिस भरोसे विश्वास की दृढ़ता के अंगीकार के बारे में प्रभु ने सिखाते हैं, अगर अंत तक इस पर स्थिर रहेंगे, प्रभु की भागीदारी रहेंगे, स्वर्गीय भागीदारी रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में रखा हुआ हरेक चमत्कार को, आश्चर्य काम को वक्त वक्त पर आप अपने जीवन में देखेंगे। आप अपना जिंदगी को बचाएंगे, अपने घर को बचाएंगे, अपने कुटुंब को बचाएंगे। आवश्यकता की घड़ी में प्रभु की कार्य को देखेंगे। हां प्रियो, चेतावनी, जहां अविश्वास है, एकदम बुरे हृदय से, बुरे हृदय से, 19 को पढ़िएगा वहां क्या लिखा है। हाँ, अतः हम देखते हैं कि हम वहां नतीजा क्या देखते हैं, अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं किया, जीवित परमेश्वर से दूर किया करके 12वां वचन में पढ़ रहे थे। प्रभु को विश्वास करके अंगीकार करने से मन को कठोर कर दिया करके चिताऊ नहीं पा रहे थे। अंत में अविश्वास के कारण स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सके। क्यों? अविश्वास नरक का पटियल में है। नरक का पटियल में देखेंगे अविश्वासी नरक के उस आग के गंधक में डाला जाएंगे, नरक के आग में डाला जाएंगे। अंतिम किताब में लिखा हुआ है, अविश्वास प्रभु के पटियल में नहीं, ना प्रभु के पटियल में है, ना स्वर्गीय जाने वाला पटियल में है। अविश्वास नरक जाने वालों का पटियल में है। हां प्रिय, अविश्वास के कारण जीवित प्रभु के साथ ना रह पाया, ना चल पाया, ना हृदय से ये सत्य वचन पर विश्वास कर पाया, अंगीकार कर पाया, आशीष ना पाया। बाइबल बतलाती है प्रभु से दूर करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। प्रियो, इसलिए प्रभु ने चेतावनी वहां पर, दूसरा तसलोनिकियों 3:2 को आप लिखकर बाद में पढ़िएगा, वहां भी लिखा है सबके पास विश्वास नहीं ना, उन दुष्ट मन वालों से चौकस, प्रभु का भक्त प्रार्थना मांग रहे, उन दुष्ट हृदय वालों से हमें परमेश्वर बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उनके पास, सबके पास विश्वास नहीं है। जहां विश्वास नहीं है, उनका हृदय दुष्टता से, बुराई से भर जाती है। यहां भी 3:12 में भी परमेश्वर वही सिखाया। आज विश्वास की अंगीकार में परमेश्वर चेतावनी दे रहे। चेतावनी क्या है? अविश्वास के लिए नहीं, अविश्वास दुष्ट मन को उत्पन्न करेगा, जीवित परमेश्वर से दूर करेगा, कठोर मन पर रखेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा। प्रियो, ये जीवन नहीं चाहिए। इस जीवन में चौकस रखे, इन बातों से प्रभु आपको बचा नहीं पाए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने। इब्रानी 4:1 को हम पढ़ेंगे। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की स्वर्गीय स्थान में पहुंचने के लिए, प्रवेश करने के लिए जो वादा है, अब तक मेरे लिए है, तो हमें डरना चाहिए। हमको इसलिए ये जीवन को डर, भय, भक्ति के साथ चलना चाहिए, जीना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वर्जित रह जाए। हाँ, वर्जित, उनसे अलग नहीं, स्वर्गीय जीवन से, स्वर्गीय राज्य से, जीवित परमेश्वर से अलग नहीं हो नहीं पाए। हाँ प्रियो, 4:1, 2, 3 को लगातार हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चेतावनी में हम पढ़ रहे थे वहां, अविश्वास बुरे हृदय, कठोर मन, जीवित परमेश्वर से दूर, प्रभु की आशीषों से दूर, अंत में स्वर्गीय जीवन से दूर।
यहां लिखा है हम प्रभु ने हमें वादा किया विश्वास की अंगीकार के द्वारा स्वर्गीय विश्राम में प्रवेश करने के लिए, इसलिए ये जीवन को प्रभु की भय के साथ भक्ति के साथ प्रभु की सत्य वचन में विश्वास में अंगीकार में बढ़ना चाहिए। लगातार ध्यान से ये आवाज को सुनिएगा, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हाँ, वचन तो सब जैसा पहले के लोगों को बताया गया, प्रभु के लोगों को बताया जाता है, उसी तरह हमको भी परमेश्वर बताया। पर सुने हुए वचन से, सुने हुए जित जो वचन को सुने हैं, सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास, वचन सब सुन रहे हैं, कई लोग घरेलू प्रार्थना के द्वारा, झुंड की प्रार्थना के द्वारा, कुटुंब की प्रार्थना के द्वारा, सामूहिक प्रार्थना के द्वारा वचन सुन रहे हैं, लेकिन विश्वास के साथ ना सुनने के कारण कोई लाभ नहीं हुआ। लगातार प्रभु सिखा रहे हैं, पढ़िएगा। परंतु जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, वो प्रभु की स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करते हैं, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। सब लोग एक साथ बैठ के वचन सुन रहे हैं, अभी भी घरेलू प्रार्थना में, झुंड की प्रार्थना में, कुटुंब की प्रार्थना में, सामूहिक में मिलकर के बैठ के वचन सुन रहे हैं, मिल के प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो विश्वास प्रभु लगातार सिखा रहे, ये विश्वास कई लोगों के जीवन में ना होने के कारण प्रभु काम नहीं कर पाया। पर जो विश्वास किए यहां भी प्रभु का काम देखे, अंत में प्रभु का राज्य में प्रवेश किए हैं। वचन 6 को पढ़िएगा। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण, आज्ञा एक झुंड अविश्वास के कारण भटक गया, एक झुंड विश्वास जहां नहीं है आज्ञा नहीं मानते, वचन सुने विश्वास नहीं किए, विश्वास अविश्वास आज्ञा मानने नहीं देता, इसलिए आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, प्रभु की राज्य में प्रवेश नहीं किया, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हां प्रियो, एक उदाहरण भी यहां पर दिखा रहे, यहां बाइबल बतलाती है 3:16-17, इब्रानी 3:16-17 को वहां पर पढ़िएगा। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? प्रभु ये कागुए को रखकर इन सारी सत्यता को सिखा के इन विश्वास की मार्ग में, इस विश्वास के अंगीकार के मार्ग में इन सब सत्यता को, जैसे आज हम आपसे लगातार ये नया साल में बात कर रहे हैं, उसी तरह मूसा के द्वारा उन वाटिका में प्रभु ने लगातार काम किया, फिर भी उनकी अविश्वास, उनकी आज्ञा मानने का जीवन ना रहने के कारण प्रभु को क्रोध दिलाए। बाइबल बतलाती है और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे? जंगल में ही खत्म हो गया। एक साथ प्रार्थना में बढ़ रहे, एक साथ सब बैठ के ही चल रहे, हम भी प्रार्थना में बैठ रहे, हम भी संगति में है, हम भी प्रार्थना में, हम भी बाइबल पढ़ रहे, सब कर रहे इसराइली लोग, यहां प्रभु का जो कहलाते वे भी एक साथ, एक साल दो साल नहीं 40 साल चल रहे थे। बाइबल बतलाती है आज्ञा नहीं माना, विश्वास नहीं किया, प्रभु का क्रोध उन पर था, उसकी अंत जंगल में ही वे खत्म हो गए। प्रियो, आज भी एक अगवे को परमेश्वर रखकर ये विश्वास के सत्य वचन को आपको दे रहे। फिलिपियों के किताब में प्रभु का भक्त पौलुस अपने चर्च को कहता, हम केवल नस्तिक में रहने का समय
भय के साथ भक्ति के साथ आज्ञाकारी मानते हुए दिखावटी नहीं करना। ये सच है, हम दूर में रहने के वक्त भी ये आज्ञाकारी, ये भक्ति हम जो सिखा रहे, इस पर चलने का सच्चा जीवन में गवाही बनकर आपका रहना चाहिए। फिलिपियंस हम लोग 2:12 में देख रहे थे, केवल निकट में रहने का समय नहीं, दूर में रहने का समय में भी विश्वास के साथ आज्ञाकारी में रहना है। प्रभु जो सिखा रहे हैं, यहां भी ये मंडली को प्रभु ने सिखाया, इज़राइल मूसा अगुवे के द्वारा प्रभु बार बार सिखाने के बाद भी विश्वास नहीं कर पाया, आज्ञा नहीं मान पाया। दल में एक साथ चल रहे लेकिन अंदर विश्वास ना होने के कारण, आज्ञाकारी ना होने के कारण ये वचन वहां काम नहीं कर पाया, इसलिए प्रभु नहीं काम कर पाया, रास्ते में ही उनका जीवन खत्म हो गया। प्रियो, आप नाश होने से बचने के लिए, मिटने से बचने के लिए, जहां जहां पहले के लोग गलती किए प्रभु लिखकर दिया, आप गलत ना करें, उन क्षेत्र में चौकसी होकर अपने को, अपने घर को बचाइए। प्रभु का किया हुआ आश्चर्य काम को वक्त वक्त पर पाते हुए गवाही बनकर आगे बढ़िए, इसलिए यह सत्य वचन प्रभु आपको सिखा रहे हैं। अपने मंडली के यहां भी प्रभु सिखाया, क्या सिखाया? इब्रानी 13:7-17 को पढ़ने जा रहे। एक वक्त में मूसा को परमेश्वर उस बटिका में अगुवा के रूप में रखा, विश्वास की अंगीकार के द्वारा प्रभु के साथ चलने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए, अंत में स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए। फिलिपियों के किताब में वहां अगुवे पौलुस के द्वारा प्रभु अगुवाई कर रहे। आज भी ये सत्य वचन किसी अगुवे के द्वारा प्रभु आपको पहुंचा रहे। पढ़िएगा, जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारी अगुवे थे, जिन्होंने तुमको परमेश्वर की वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो, उनको स्मरण करिए, और ध्यान से उनकी चाल चलन का, ध्यान से जो विश्वास की वचन को, अंगीकार की वचन को सिखा कर चल रहे, ध्यान से उनकी चाल को, उनकी बात को देखो, अंत देखकर, देखकर उनके विश्वास का अनुकरण, विश्वास को अनुकरण करो, पालन करो, उसको पकड़ते हुए प्रभु में जय पावो, जो सत्यता प्रभु इस वक्त आपको दे रहे हैं। पढ़िएगा 17, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। अविश्वास जहां है आज्ञाकारी नहीं है, आधे रास्ते में मिट गए, लेकिन आप अगर हृदय से विश्वास करके मुंह से यीशु के नाम से इस वचन को अंगीकार करेंगे, आज्ञाकारी होगा। जिस अगुवे के द्वारा प्रभु सिखा रहे, आज्ञा मानो, और उनके आदीन रहो, उनकी आदीन रहो, मतलब जैस वक्त वक्त पर प्रार्थना का जो योजना दे रहे, प्रार्थना की संगति के लिए जो योजना दे रहे, घरेलू प्रार्थना की जो योजना दे रहे, झुंड की प्रार्थना की जो योजना दे रहे, सामूहिक प्रार्थना की जो योजना दे रहे, आत्मिक प्रभु की योजना में जो आपको अगुवाई कर रहे, आदीन रहो प्रभु में। हर सत्यता को जैसा सिखाते हैं, गवाही बनकर उसी में बढ़ने के लिए आदीन रहो। कई लोग आदीन मन गलत समझते, ये उस बात को बताया जो सत्यता वक्त वक्त पर आ रही है, आपको अगुवाई करेंगे। आप इस सत्यता की आदीन में होकर गवाही बनकर आगे बढ़ो, आज्ञाकारी। प्रभु का भक्त पौलुस तीमोथियुस को लेकर आए, हर क्षेत्र में नमूना बनो तीमोथियु, नमूना बनो। यहां प्रभु भी वही मांग करते हैं, एक अगवे भी वही मांग करते हैं। हर प्रभु के लोगों से यही आशा की जाती है, आत्मिक सत्य वचन पर जो सिखाते हैं प्रभु, इस पर आप नमूना बने, गवाही बने, जो सिखा रहे इसकी आदीन में रहकर प्रभु की महिमा के लिए, शत्रु पर जय पाकर आप अपना जीवन को आगे बढ़िए। क्योंकि कौन शत्रु पर जय पा सकते हैं? बाइबल बतलाती है अंतिम किताब में, मेमने की लहू, मेरा यीशु प्रभु की लहू, वचन की गवाही के द्वारा प्रभु के लोग शत्रु पर जय पाते हैं। नियंत्रण, सत्यता को सिखाने वालों के नियंत्रण में रहो, ताकि आप वचन का गवाही बनकर सफल रह सकें। यही वचन की गवाही की सफलता, शैतान पर जय पाकर
आप अपने को, अपने घर को, औरों को बचाकर एक दिन प्रभु के साथ युगान युग स्वर्गीय घर में रहते। हाँ प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। पढ़िएगा आगे 17 में क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि वे उनके समान हाँ तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। ये सत्यता तैयारी करके वक्त वक्त पर आपके लिए भेज रहे, क्योंकि आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे, आपके घर के लिए प्रार्थना कर रहे, आपकी पूरी कुटुंब के लिए प्रार्थना कर रहे, आपकी तमाम परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे। प्रभु आपको भलाई करके, रक्षा करके, साथ रहने के लिए एक दिन प्रभु अपने साथ ले जाने के लिए आपके लिए वो काम करते हैं। पढ़िएगा जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। एक एक जीवन के लिए प्रभु को एक अगुवा लेखा हिसाब किताब देना पड़ता है। वे ये काम आनंद से करें। इसलिए प्रभु का झुंड पवित्र आत्मा सिखा रहे, जानना चाहिए एक अगुवे को जो सेवा वचन अगुवाई जो दे रहे हैं आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ बढ़ने के लिए, उनको आनंद के साथ अगुवाई करने के लिए आप जगह दे, आगिया माने, गवाही बने। ना कि ठंडी सांस से लेकर दुख के साथ करने के लिए नहीं, वो आपका प्रयोजन नहीं है। यही वचन आगे लिखा, आपका वो प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ आपका नहीं है। जो सेवा आपको दे रहे, जो अगुवाई आपको कर रहे, आनंद से करने दीजिए ताकि आपका लाभदायक हो, संगठन में आपका काम आवे, आपका घर की नकाम की जगह पर ये आपका काम आवे, जहां पर स्थिति डमाडोले ये आपको काम आवे। प्रभु की आश्चर्य काम आपका जिंदगी को, घर को बचाए, बसाए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचाए। हाँ प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। कई लोग कहां पर आज्ञा नहीं मानते, आओ अगवा जो करता हम नहीं कर सकते हैं, हमको सिखाने वाला जो करता हम कम है, उनसे छोटा है। बाइबल साफ रीति से बतलाती है, प्रभु ने कहा दास दास है, स्वामी स्वामी है। परमेश्वर गार्जियन गार्जियन है, बच्चे बच्चे हैं, रिश्ते अलग है। एक एक जन को परमेश्वर एक काम दिए हैं। बाइबल में ये रिश्ते को कभी जो जो पलट रहे थे वहां पर बड़ा नुकसान को पाए, कोई कोई अपना जीवन को गवा दिए। सामुएल का काम को सौल करने लगे, राजपथ को गवा, राजपथ को गवा दिया। बलि चढ़ाने से उत्तम आज्ञाकारी मानना, वहां पर पहला राजा सौल को प्रभु ने सिखाया, बलि चढ़ाने से उत्तम आज्ञा मानना। जहां रखे ये आज्ञाकारी, आदिन में रहकर, आदिन मैंने सत्यता की नियंत्रण में, प्रभु की आत्मिक योजना की नियंत्रण में रहकर अपने जीवन को बचाइए, अपना घर को बचाइए, अपने पूरे कुटुंब को बचाइए। एक दो उदाहरण हम प्रभु जो यहां चितौनी के साथ लगातार लेके, हम इब्रानी कोई खास करके हम पढ़ रहे चितौनी के लिए, जब कौन पाप कर रहे वो गलती प्रभु के लोग नहीं करना चाहिए, जो चाहते हम प्रभु के साथ सच्चा रहें, वक्त वक्त पर प्रभु की चमत्कार को हम देखें, एक दिन प्रभु के आगमन में हम प्रभु के साथ जाएं, हम सच्चा जीवन जय के साथ बिताना चाहते हैं, उन लोग के लिए हम सिखा रहे हैं। चितौनी आगे पीछे क्या है, वहां इब्रानी 11:29 में क्या लिखा, थोड़ा पढ़िएगा। विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसा उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। हाँ, यहाँ अगवा मूसा के द्वारा लाल समुद्र को पार करके प्रभु अपना झुंड को विश्वास की अंगीकार के द्वारा ले जा रहे हैं। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करा, देखिए मिस्री में न दुनिया वाला, जिसके पास प्रभु नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु पर विश्वास नहीं है, प्रभु का सत्यता नहीं है, उन मिस्री, उन दुनिया, उन अनजाति भी प्रभु के लोग जिस तरह काम किया, उस काम को देखा, नकल किया, नकल मन टू कॉपी, वो जैसा किया वैसे ये भी करने लगे, हम भी ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा। पढ़िएगा आगे। वैसा ही करना
चाहा वैसे ही करके लाल समुद्र को जैसा प्रभु के लोग पार किया ये भी पार करने की कोशिश की तो सब डूब मरे, सब डूब के खत्म हो गया। नहीं है, नहीं है, अलग अलग योजना नकल किया। जैसा वो लोग पार किया है हम भी पार कर लेंगे, शरीर पर, अपनी बुद्धि पर, शरीर के बल पर प्रे उन्होंने विश्वास किया। यहां विश्वास प्रभु पर, प्रभु की सत्य वचन पर, वहां अनुशासन के साथ एक झुंड अगुवे के द्वारा वो पूरी बाटिका वहां पार करके अपनी योजना की ओर बढ़ रही है। अनजाती दुश्मन भी सोच रहा है हम भी उसी को नकल करेंगे, उसी तरह काम करेंगे। बाइबल बतलाती है वो डूब के खत्म हो गया। और एक ये तो मूसा का समय का घटना, यीशु का कलीसिया जहां पौलोस सामर्थ के साथ काम कर रहे थे वहां भी एक उदाहरण हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि केवल पहले का समय में नहीं आज भी ये शैतान काम करते हैं। इसलिए बाइबल यहां चिताती है, ये सब चौकसी की बात है, चेतावनी की बात है। प्रभु के लोग अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी सीमा में आने नहीं देना है। पढ़िएगा प्रेरितों का काम 19वां अध्याय 11वां वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय, यहां एक घटना घट रही है। क्या घट रही है पढ़िएगा वहां पर। परमेश्वर पौलुस के हाथों से, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, सामर्थ की आश्चर्य काम जो वर्णन नहीं कर सकते, जबरदस्त किया इसको कुछ लोग देखकर नकल करने के लिए। कौन आ गया? नहीं, हम भी करेंगे। ये मूसा के समय में भी हुआ था, प्रभु के लोगों का, यीशु का दल का समय में भी हुआ था। ये शैतान आज भी ये अविश्वास को, मनमानी को, आज्ञा मानने का जीवन को दूर करके, जीवित परमेश्वर से दूर करके नाश करने का काम आज भी शैतान करता है। इसलिए हम दोनों साइड से साबुत दिखा रहे हैं, क्योंकि कई लोग तर्क करके अंत में जीवन को गवा देते हैं। यहां भक्त पौलुस, अगवे पौलुस के द्वारा परमेश्वर जबरदस्त आश्चर्य काम कर रहे हैं, इसको देखकर 14 से पढ़िएगा वहां। और स्विका नामक के एक यहूदी प्रधान याजक के सात पुत्र थे। सात लोग वहां थे। 13 को घर में आराम से पढ़िए। पौलुस जैसे यीशु के नाम से प्रार्थना करके दुष्टात्मा को दूर करके चमत्कार का काम किया, ये लोग भी ठीक नकल करने लगे। जैसे अभी अभी 11:29 इब्रानी में मिस्री लोग नकल किए प्रभु का झुंड को देकर, लेकिन प्रभु का झुंड लाल समुद्र पार करके निकल गया, इन लोग डूब के खत्म हो गए। उसी तरह प्रभु का भक्त को ये नकल किया जैसा वो कर रहे थे। सात लड़के लोग था एक ही व्यक्ति का, वे सातों ये काम किए थे। बाइबल बतलाती है 15:16 को पढ़िएगा। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को भी मैं जानता हूँ अगुआ पौलुस को भी मैं जानता हूँ, तुम कौन है? और उस मनुष्य ने दुष्टात्मा थी उस पर लिपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया, ऐसा उसको झपेट के अपने वश में लाया। उन लड़के को वो दुष्टात्मा ने अपने वश में लाकर ऐसी उपद्रव, ऐसी पीड़ा उन पर दिया कि वे नंगे और घायल होके भाग गए। ये घटना उन क्षेत्र में सभी कोने कोने में आग की नाई फैलने लगा। वहां बाइबल बतलाती है बच्चा 18 को घर में पढ़िए। विश्वास करने वाला, अंगीकार किया, परमेश्वर की काम उसके जीवन में प्रकट हुआ, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रियो, नकल नहीं। आज कई एक लोग सच्चे हृदय की विश्वास, सच्चे मुंह की अंगीकार यीशु के नाम से होकर ये सुंदर जीवन को बिताने के लिए प्रभु एक दल को दिया, एक संगति को दिया, वक्त वक्त पर वचन देने के लिए एक अगुवे को रखा। गलत रास्ते में जाकर नहीं, शारीरिक बल में, शारीरिक बुद्धि में नहीं, प्रियो प्रभु की योजना के अनुसार, परमेश्वर की नियम के अनुसार, परमेश्वर की अनुशासन के अनुसार प्रभु जिस संगति में रखा है,
सच्चा रहकर प्रभु में ये सत्यता के अनुसार बढ़ेंगे तो ये साल जैसे प्रभु ने वादा किया आश्चर्य का देखेंगे। चेतावनी का कई एक वचन आपने देखा, उस पर चौकस रहिए। वो गलत भावना को, सोच को, उस बुरे हृदय को, उस अविश्वास को, उस आज्ञाकारी बिना चलने का मनमानी जीवन को, मन को कठोर करने वाली श्रापित जीवन को आने नहीं दीजिए। वो ये विश्वास की अंगीकार का जीवन को बिगाड़ देगा, प्रभु की रास्ता को बंद कर देगा, आश्चर्य काम की रास्ता को बंद कर देगा। वे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रभु एक परिवार को हमें गवाही में दिया, उस गवाही को पकड़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पढ़िएगा इब्रानी 11 का 13, 14, 15, 16। इब्रानी 11 का 13 से लेकर 16 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ये सब विश्वास की दशा में मरे प्रभु के भक्त लोग अब्राहम, इसाक, याकूब, प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के अनुसार वे जीवन को बिताएं। और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, परमेश्वर की किया हुआ वादा को पाई नहीं, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित ये नहीं। ये साल शुरू करने के समय वादा किया गया, अभी वो पूरी नहीं, वक्त वक्त पर पूरा होने के लिए आश्चर्य काम किए हैं, ये वादा दे दिया। उसी तरह इन भक्तों को भी वादा दिया गया, अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन दूर से उन्होंने उस पर विश्वास किया और मान लिया माना, अंगीकार किया, हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है, बागरी है, जो ऐसे बातें कहते हैं, जो ऐसे अंगीकार करते हैं, वे प्रकट करते हैं, वो जीवन में प्रकट करते हैं कि स्वदेशी की खोज में है, वो स्वर्गीय देश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए, जिस दुनिया में अपनी अपना कहलाने का घर में लौट सकते थे, यदि उसकी शुद्धि करते, यदि वो याद करते हम यहाँ का बासिंदा है, इस मिट्टी का बासिंदा है, इस जगह का बासिंदा है, हम यहीं रहेंगे करके यदि सोच लेते तो उन्हें लौट जाने का अवसर, दुनिया की घर में ही अपना जिंदगी को खत्म करने का मौका था। परंतु उन्होंने वो गलत काम नहीं किया, एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं इनका परमेश्वर कहलाने में मुझे कोई लज्जित नहीं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। दुनिया में प्रकट किए थे अपनी अंगीकार के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा प्रकट किए थे, हम दुनिया में परदेशी है, ये टेम्परवरी तत्कालीन जीवन है, लेकिन मेरा परमानेंट जीवन, मेरा युगानुयुग का अस्थाई का जीवन यीशु मेरे लिए तैयार करके रखे हैं, वो स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। प्रभु ये विश्वास का अंगीकार का जीवन को देखकर कहा इनका परमेश्वर करके कहलाने में मुझे कोई लज्जा की बात। प्रियो, जितने लोग ये सत्यता को देख रहे हैं आज, आपकी विश्वास का अंगीकार वर्तमान में प्रभु के साथ चलने के लिए मदद करेगा, वर्तमान में जहां जहां आपकी जरूरत है वहां परमेश्वर की चमत्कार होने के लिए मदद करेगा। एक दिन परमेश्वर जहां आपके लिए जगह तैयार किए हैं वो स्वर्गीय देश में पहुंचने के लिए अब्राहम के जैसे, ईसा के जैसे, याकूब के जैसे प्रभु सौभाग्य देता है। इसी की भागीदारी है, इसी को तुम इब्रानी पहले ही पढ़े थे, हम स्वर्गीय देश की भागीदार है, इसी के लिए प्रभु ने बुलाया। अब्राहम, प्रभु के भक्त लोग ये जीवन को जय के साथ बिताकर ये विश्वास की अंगीकार उनको प्रभु का राज्य में प्रवेश किया। और एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, इसी में 7 पढ़िएगा, 11 का 7। विश्वास ही से, विश्वास की अंगीकार से नूह ने उन बातों के विषय में, परमेश्वर की सत्यता की विषय में, जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, दिखाई नहीं पड़ रही थी,
केवल प्रभु का वादा विश्वास की अंगीकार के लिए पहुंचा, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा सारे संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म के पूरे अपने घर को बचा लिया। तीनों बेटे शादी सुदास, तीन बेटे तीन बहू के साथ अपने कुटुंब के साथ प्रभु में अपना घर को रक्षा किया। प्रियो, ये सत्यता आ रही है, आने वाला हकाल का समय में, मरी का समय में, डमाडोल का समय में, संकट का समय में, मुसीबत का समय में, नकाम का समय में, जहां खत्म करके एक वक्त आ रही है, ये सत्य वचन की विश्वास की अंगीकार के द्वारा अपने घर को बचाइए। नूह के जैसे अपने पूरे परिवार को बचाइए, अब्राहम के जैसे अंगीकार करते ये परदेश में आए, ये मेरा घर नहीं है, मेरे लिए एक घर है, वो स्वर्गीय घर है, उसी के प्रभु के भक्त अब्राहम और उनके घर अंगीकार करते करते बड़े। प्रभु ने कहा, इनका परमेश्वर बोलने में मुझे कोई लज्जाने की बात नहीं। वो पिता ने जैसे कहा, मुझे शत्रु की आतों से बचाने के लिए, नाश होने से बचाने के लिए, विश्वास का अंगीकार का जीवन में रहने के लिए मदद कीजिए। आंसू के साथ प्रार्थना किया, प्रभु मेरी अविश्वास को दूर कीजिए। उन्होंने कहा, मेरी अविश्वास को दूर होने के लिए उपाय कीजिए। चेतावनी हमने पाया, अविश्वास नरक में ले जाता है, स्वर्ग राज्य में पहुंचने नहीं देता है। अविश्वास जीवित परमेश्वर से दूर किया। अविश्वास दुष्ट हृदय, कठोर हृदय, बुरी हृदय से भर दिया, आज्ञा मान नहीं दिया, रास्ते में वे सब मिट गए थे। प्रियो, हम मिटने वाले नहीं, ये विश्वास की अंगीकार के द्वारा अपने प्राणों को बचाने वाले, औरों को बचाने वाले, प्रभु के लिए महिमा का गवाही बनकर ये नया साल में प्रभु जहां जहां मेरे घर में जीवन में काम करना चाहता है मौका दीजिए। विश्वास का अंगीकार जहां है वो हम मौका, मरकुस 16:20 के अनुसार प्रभु पहुंचने के लिए जगह मिल जाती है, प्रभु आपके साथ हो लेने के लिए जगह मिल जाती है, प्रभु आपके साथ अपने काम को वचन के द्वारा पूरा करने के लिए मौका मिल जाती है। वो भी खुद उदाहरण दिया, हम भी इस पूरे दुनिया को विश्वास की वचन के द्वारा तैयार किया। आपके घर में यही विश्वास के वचन के द्वारा प्रभु घर को तैयार करना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की ओर ताकेंगे। स्वर्गीय पिता, इस विश्वास की अंगीकार की सत्यता के लिए हम हृदय से कोटि 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 धन्यवाद देते हैं। या इसमें चितौनी को भी दी सिखाया स्वामी, कोई भी अविश्वास के लिए जगह ना दे, अविश्वास की बोली के लिए जगह ना दे। अविश्वास जहां है वहां हृदय दुष्ट है, उस दुष्टता के लिए जगह ना दे। जीवित परमेश्वर से दूर होने के लिए जगह ना दे। आशा भरी भी अंगीकार में अपने को दृढ़ करते हुए जिसने वादा किया वह सच्चा है, उसको पूरा करने के लिए प्रभु जो वचन आज हमें दिया है हमारे जीवन में पूरा कर नहीं पाए, सबके घर में पूरा कर नहीं पाए, कोई भी इससे अलग नहीं होने पाए। आज जो जो चितौनी तूने दिया स्वामी, कोई भी शारीरिक बल से, शारीरिक बुद्धि ज्ञान से प्रयास ना करे। शारीरिक बल से, शारीरिक बुद्धि ज्ञान से प्रयास करके कई लोग मिट गया स्वामी, कई लोग नाश हो गया स्वामी। फिर मिस्र देश वाले प्रभु के लोगों को देखकर वे भी लाल समुद्र को पार करने की कोशिश किया पर डूब कर खत्म हो गया। कई इजरायली लोग आज्ञा न मानने के कारण, उनकी अविश्वास के कारण, उनकी मन की कठोरता के कारण रास्ते में ही खत्म हो गए। किसी का जीवन आधे रास्ते में खत्म होकर नरक ना जाने पाए। पवित्र आत्मा सहायता कर। पौलुस प्रभु का अगुवा का काम को देकर अगला व्यक्ति नकल करके प्रभु नंगा भागना पड़ा। उस तरह कोई अपना जिंदगी को बेइज्जत की जगह पर लेकर ना जाए। प्रभु जहां रखा है सत्य वचन के द्वारा प्रभु को विश्वास करे।
विश्वास की अंगीकार के द्वारा विश्वास करें, प्रभु की नियम के अनुसार विश्वास करें, प्रभु की अनुशासन के अनुसार विश्वास करें। जिस प्रार्थना की संगति में, जिस चर्च में, जिस वाटिका में प्रभु जिस जगह में रखा है, उन जगह में सच्चाई से यह सत्यता में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। सच्चाई के साथ बढ़ने का समय वे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। स्वामी अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। इस लॉकडाउन में कोई भी प्रभु जी आपके अनुशासन से भागर ना जाए, आज्ञाकारी जीवन से भागर ना जाए, कोई भी मनमानी ना करे, कोई भी अविश्वास की जगह में ना जाए, कोई भी दुष्ट हृदय की जगह में ना जाए। गवाही बनकर आश्चर्य काम करने के लिए जो परमेश्वर तत्पर है उनको मौका दे नहीं पाए, वक्त वक्त पर प्रभु की महिमा का काम को देख नहीं पाए। मरकुस 16:20 के अनुसार हर समय हर व्यक्ति के साथ प्रभु का काम होते रहे, जीवन भर तेरी करुणा और भलाई होती रहेगी करके वादा किया। सब जीवन में होना दे। रोमियो 10:11 में देख रहे थे, जिन्होंने इस सत्यता पर विश्वास करेंगे वो लज्जित नहीं होंगे। भजन संहिता 34 में वचन दिया, जिन्होंने यीशु पर दृष्टि किया उनका मुंह काला नहीं होगा परंतु प्रकाशित होगा। इन सत्यता के द्वारा एक एक जीवन को प्रकाशित कर, किसी को लज्जित होना ना दे। प्रभु की चमत्कार के द्वारा गवाही की जगह में खड़ा कर, प्रभु की पवित्र नाम को महिमा करने की जगह पर रखे। जो जो प्रार्थना और निवेदन के साथ संगति में है स्वामी, बहुत तायत तेरी भलाई का काम हो नहीं पाए, कोई भी कालियातों से ना जाए, भरपूरी के साथ अगुवाई कर, गवाही में खड़ा कर, पवित्र नाम को महिमा। जहां जहां चमत्कार की जरूरत है मरकुस 16:20 के अनुसार इन सत्यता के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक आवश्यकता के घर में प्रभु का काम पूरी हो नहीं पाए, यीशु के नाम से दूसरा कुरिन्थियों 9:8 पूरा हो नहीं पाए, इब्रानी 4:14 यीशु के नाम से पूरी हो नहीं पाए। अनुग्रह कर 16 के अनुसार आवश्यकता को की वक्त पर दया कर, सभी पर दया कर, आवश्यकता की जगह पर प्रभु का काम चमत्कार बनकर हर जीवन में पूरी हो नहीं पाए। पूर्ण शांति के साथ संभालने वाला प्रभु सभी घर को रक्षा कर, सभी को अपने पवित्र लहू में छिपाइए स्वामी। भजन संहिता 91 के अनुसार हर घर को रक्षा कर, किसी घर को कोई बुराई छू ना पाए, यीशु नासरी के नाम से। इन वचनों के द्वारा हर घर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से भलाई कर, अपने मर्जी को पूरी कर, आपका नाम को महिमा कर। यही विश्वास के साथ सारी तेरी भलाई के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन। प्रियो, जो सत्यता को लगातार विश्वास की अंगीकार के नाम से सुन रहे हैं, अविश्वास के लिए जगह नहीं दीजिए। जितना चेतावनी के लिए, चौकसी के लिए वचन दिया गया वो गलती के लिए जगह नहीं दीजिए। विश्वास के साथ सत्य वचन के अंगीकार के अनुसार मरकुस 16:20 के अनुसार बढ़ते जाइए। प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु आपके साथ आश्चर्य काम करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।